यस स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडी नॉलेज हाउस मैजिक। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में चैप्टर टू में आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। एज मोर एंड मोर यूनिट ऑफ ए कॉमोडिटी आर कंज्यूम्ड, मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन फॉलोइंग। जब हम किसी कॉमोडिटी की एक के बाद एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हैं तो उन एडिशनल यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन, मिलने वाली एडिशनल यूटिलिटी क्या होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। सबसे पहले बात करेंगे कि ये जो लॉ है ये कार्य करता है कुछ एजम्पशंस के साथ में। मींस अगर ये एजम्पशंस है, ये चीज़ है, तभी ये लॉ एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये कंडीशंस जहाँ होती है वहीं पर ये लॉ अप्लाई होता है, वहीं पर ये कार्य करता है। फर्स्ट, द कंज्यूमर इज रैशनल। कंज्यूमर क्या होना चाहिए, समझदार होना चाहिए। दूसरा, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड एग्जैक्टली। यूटिलिटी इज कार्डिनल, मींस यूटिलिटी को हम नंबर्स में क्या करेंगे, मेजर करेंगे। देयर इज नो चेंज इन द क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड प्राइसेस। जो हम गुड्स कंज्यूम करेंगे उसकी क्वालिटी में भी कोई चेंज होना नहीं चाहिए और उसके प्राइस भी फिक्स होने चाहिए, तब ये लो काम करता है। कंजम्पशन इज कंटिन्यूस। जो कंजम्पशन है वो भी कंटिन्यूस होना चाहिए। यूनिट्स ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड आर ऑफ रीजनेबल साइज। जो गुड्स की यूनिट्स, जिस गुड्स को हम कंज्यूम करेंगे उसका साइज भी क्या होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। ऐसा साइज होना चाहिए जो एक आदमी आराम से कंज्यूम कर सके, कोई भी नॉर्मल पर्सन। सो बच्चों, बात कर रहे थे हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की। इसको मैं आप शेड्यूल के हिसाब से मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, हम लोग चपाती खा रहे हैं, तो चपाती क्या हो गई, चपाती कमोडिटी हो गई और ये टोटल यूटिलिटी हो गई और ये मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी को हम सिंपल वे में समझेंगे, यूटिलिटी मीन्स वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी। बोले तो किसी भी कमोडिटी की सेटिस्फाई करने की शक्ति, तो ये एक तरीके से हमारे लिए क्या हो गया, सेटिस्फेक्शन हो गया। तो बच्चों, आपको पता है जब हम लोग भूखे होते हैं तो हमें जो पहली रोटी है उससे मिलने वाली संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन, यूटिलिटी सबसे अधिक होती है। भाई हमें भूख लगी है बहुत ज़्यादा, तो जब हमें भूख लगती है, जब पहली रोटी हम खाते हैं उससे हमें सबसे ज़्यादा आनंद की प्राप्ति होती है। मीन्स सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, सबसे ज़्यादा यूटिलिटी प्राप्त होती है। तो पहली रोटी से कितनी यूटिलिटी मिली, 100। सेकंड रोटी जब हम खाएंगे तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कम होगा एज कंपेयर टू फर्स्ट रोटी। पता है क्यों, क्योंकि पहली रोटी काफ़ी हद तक हमारी भूख शांत कर चुकी है। भाई पहली रोटी से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन सर्वाधिक होगा, क्यों, क्योंकि ये रोटी हमें जब हम पूरे भूखे थे तब मिली थी। अब इसे खा के हम लोगों की भूख काफ़ी हद तक शांत हो चुकी है, तो जब हम दूसरी यूनिट कंज्यूम करेंगे इससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन दूसरी रोटी से हमारा कम होगा पहली वाली से। ऐसे ही जब हम थर्ड यूनिट कंज्यूम करेंगे तो सेटिस्फेक्शन और कम हो जाएगा, क्योंकि हमारी भूख और भी कम हो चुकी है, हमारा पेट भर चुका है। जब हम फोर्थ रोटी खाएंगे तो हमारी जो सेटिस्फेक्शन है वो और भी कम हो जाएगी, और जब हम फिफ्थ रोटी खाएंगे तो जो मिलने वाला सेटिस्फेक्शन है वो जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये है बच्चों, जब हम पांचवी रोटी खाएंगे तो हमारा पेट पांचवी रोटी खाने से भर चुका होगा और हमारी सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है, वो जीरो हो चुका है। मीन्स फिफ्थ यूनिट पर हमारी जो टोटल यूटिलिटी, जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या होगी, वो ज़ीरो होगी। अंडरस्टूड, मीन्स यहाँ पर हमारा पेट क्या हो चुका है, भर चुका है, अब हमें और रोटी खाने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम इसके बाद और रोटी खाएंगे तो उससे मिलने वाला जो मार्जिनल सेटिस्फेक्शन है वो माइनस में आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम और एडिशनल रोटी खाएंगे तो अब हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, अब हमें तकलीफ होगी, डिससेटिस्फेक्शन होगा और हमारी जो यूटिलिटी है वो माइनस में चली जाएगी। यही हम लोग देखेंगे अब डायग्राम के हिसाब से। भाई आपको पता है हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होता चला जाता है जैसे जैसे हम एडिशनल रोटी कंज्यूम करते हैं। तो जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो, फॉर एग्जाम्पल, हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ 40। सबसे पहले हमें 40 से स्टार्ट हुआ, हाइस्ट जो हमें सेटिस्फेक्शन मिला पहली रोटी खा के वो कितना मिला, 40 मिला।
जब दूसरी रोटी खाएंगे तो और कम होगा, ग्राफ नीचे को आएगा। तीसरी खाएंगे और कम होगा, फोर्थ खाइए और कम होगा। ऐसे ही जब हम 9 रोटी खा लेंगे तो हमारा जो सेटिस्फेक्शन है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। मीन्स ये वो पॉइंट है जहाँ पर हमारा पेट भर चुका होगा, अंडरस्टूड। इसके बाद अगर हम रोटी कंज्यूम करेंगे तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा और हमारी MU कर्व नेगेटिव में चली जाएगी, एक्स कर्व के नीचे चली जाएगी। तो बच्चों जो हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है ये कार्य करता है कब, जब कस्टमर समझदार हो और वो यूटिलिटी को मेजर करे। किस टर्म्स में, नंबर्स के टर्म्स में, हम नंबर्स में ही तो मेजर कर रहे हैं। और जो क्वालिटी है गुड्स की वो चेंज ना हो, मतलब जैसी क्वालिटी पहली रोटी की थी वैसी ही दूसरी की हो, 5 रोटी तक का क्वालिटी सेम रहे और जो गुड्स का कंजम्पशन है वो कंटिन्यूस होता रहे, तभी तो हमारा सेटिस्फेक्शन कम होगा। अदरवाइज एक रोटी हमने अब खाई फिर दूसरी रोटी खाएंगे हम शाम को, तो इससे हमारा सेटिस्फेक्शन कम नहीं होगा बल्कि ज़्यादा ही मिल सकता है पहले वाली से। इसलिए जो कंजम्पशन है वो कैसा होना चाहिए, वो कंटिन्यूस होना चाहिए, तभी ये लोग काम करेगा। यूनिट्स ऑफ गुड्स आर रीजनेबल साइज, गुड्स का साइज भी रीजनेबल होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। ऐसे नहीं कि पहली रोटी आपने छोटी सी खाई और दूसरी रोटी इतनी बड़ी खा ली, तो उससे भी सेटिस्फेक्शन पे, यूटिलिटी पे फर्क पड़ेगा, तब भी ये लोग काम नहीं करेगा। ये लोग कब काम करेगा, जब स्टैंडर्ड साइज खाओगे, रीजनेबल साइज खाओगे और सेम साइज की रोटी आप लास्ट तक कंज्यूम करोगे, 5वीं रोटी तक, अंडरस्टूड, तब ये लोग काम करता है। तो सीधी सी बात इस लॉ की ये है बच्चों कि जब भी हम किसी कमोडिटी की एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हैं उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या होता है, कम होता चला जाता है, उससे मिलने वाली एडिशनल यूटिलिटी कम होती चली जाती है, जिसको MU बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी की जो कर्व है वो हमारी डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, क्यों, क्योंकि इसका MU का और रोटी के कंजम्पशन का जो रिलेशन है वो कैसा है, नेगेटिव। जैसे जैसे हम रोटी को, एडिशनल रोटी को कंज्यूम करेंगे, ये अधिक रोटी खाएंगे, उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कम होगा, इनवर्स रिलेशन है। दैट्स वाई ये हमारी क्या होती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, अंडरस्टूड। सो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ ये टॉपिक आपके काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। आप मेरे चैनल पर बने रहिए, मेरे सेशन को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू।